अजीबो गरीब बहू। मोनिका बहू से सब परेशान थे। कारण था उसका नेचर, जो शादी के 8 साल बाद भी किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, आऊं तो पराठा तैयार रखना। पराठा किस चीज का माँ जी? आलू पनीर या प्याज आलू या मेथी का बना दूं? सास, जिसे मंदिर जाने को देर हो रही थी। अरे बहू, किसी भी चीज का बना देना, वैसे भी भूख बहुत लगी है, मैं जल्दी ही मंदिर होकर आती हूँ। सास तो चली जाती है, लेकिन बहू वो तो अपने ही काम में मस्त हो जाती है। बेटा, तेरी सास आती होगी, जल्दी से पराठा बनाकर रख दे, नहीं तो तेरी क्लास लग जाएगी। ना ना पिताजी, अब कोई मेरी क्लास नहीं ले सकता। नहीं ले सकता? अब नहीं ले सकता क्या मतलब? तेरी सास तो आज तक मेरी क्लास ले रही है। पिताजी, मैंने तो शादी ही इसलिए की है कि मुझे पढ़ाई ना करनी पड़े। क्लास लेंगी सास तो मैं नहीं रह पाऊंगी। अरे तो जो होमवर्क देकर गई है वो जल्दी से पूरा कर ले बेटा। होमवर्क? कैसा होमवर्क? अरे परेशान हो गया मैं तो। कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं, सॉरी, जा। माफी भी मांग रहे हैं पापा जी, और मुझे पता भी नहीं कि आपने क्या गलती कर दी। खैर, जा रही हूँ मैं, आज ना अलमारी ठीक करने का काम करना है मुझे। बहू कमरे में चली जाती है कि सामने उसकी बेटी की सहेली आ जाती है। अरे मेरा बेटा, ये कौन है? माँ, ये मेरी सहेली है मायरा, पास के सेक्टर में रहती है। अच्छा, क्या नाम है, कहाँ मिले तुम दोनों? आंटी, इसने बताया ना कि मेरा नाम मायरा है, मैं पास के बिल्डिंग में रहती हूँ और हम स्कूल फ्रेंड्स हैं। अच्छा, तुम लोग स्कूल में नहीं खेलते, जो घर में खेलने की जरूरत पड़ गई। वैसे क्या करते हैं पापा तुम्हारे? आंटी, मेरे पापा अमेरिका में रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? अच्छा, कितने भाई बहन हो तुम? और सॉरी आंटी, मुझे जाना है, मेरा देख लेना, खेलना हो तो शाम को पार्क में मिलते हैं। सहेली के जाने के बाद। क्या है माँ, भगा दिया ना मेरी सहेली को? अरे पता नहीं क्यों इतनी बड़ी होकर भी आप समझ नहीं पाती कि कैसे रहना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, भगा दिया मेरी सहेली को। खैर, मोनिका का अजीबो गरीब नेचर चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन। क्या बात है मोनिका, कहाँ जा रही हो? मैं ना जरा बाजार जा रही हूँ, थोड़ा काम है। आप बताओ, काफी बिजी लग रहे हो। हाँ यार, वर्क फ्रॉम होम है ना, तो काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोई ना, वो क्या है ना, बाहर धूप है और मुझे सामान लेने जाना था, कोई ना लेकर आती हूँ। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चक्कर खाकर गिर जाऊंगी या फिर कुछ हो जाएगा। अरे नहीं नहीं लाओ लाओ, क्या लाना है लिस्ट मुझे दे दो, मैं लेकर आता हूँ। मोनिका पति को लिस्ट देकर किचन में चली जाती है। अरे क्या बात है, तू तो झोला लेकर निकली थी, फिर वापस क्यों आ गई? वो क्या है ना, ये बोले कि मैं ले आता हूँ तो मैं वापस आ गई। देख ले, किचन तेरा है, तू जानती है क्या नहीं है। अरे कोई बात नहीं, वो ले आएंगे ना सब, मैंने उन्हें लिस्ट दे दी है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद पति सारा सामान लेकर आता है तो मैं चली दाल बनाने। लेकिन ये क्या, झोले से तो दाल निकलती ही नहीं। ये क्या है जी, दाल क्यों नहीं लाए आप? अरे लिस्ट में लिखा ही नहीं था तो मैं कैसे लाता, जो जो लिखा है सब लाया हूं मैं। बस अब तो मोनिका का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाता है। अरे नहीं लिखा तो ये मतलब कि तुम लाओगे नहीं, कम से कम थोड़ा सोच ही लेते। मोनिका बड़बड़ाती वहां से चली जाती है और पति वो तो बेचारा सर पकड़ कर खड़ा हो जाता है। अब पता चला हम कैसे रहते थे सारा दिन और सारी शाम। हाँ पापा, मम्मी की आदतें तो समझ में नहीं आती, कल मेरी सहेली को भी भगा दिया। एक रोज तो मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं अपना सर पकड़ कर ही बैठ गया। अरे मेरा तो रहने ही दो बेटा, क्या बताऊं क्या ना बताऊं, अरे पता ही नहीं चलता किस पल क्या समझ जाए और क्या समझा दे। समय निकल रहा था, हर कोई मोनिका से परेशान हो रहा था, किसी के पास कोई उपाय नहीं था कि कैसे उसकी आदतों को सुधारा जाए। फिर एक रोज, अच्छा बेटा क्या खाओगी आज? माँ कुछ भी बना लो। कुछ भी क्या होता है? अरे बताना रानी बिटिया को क्या खाने का मन है। माँ पालक पनीर। मेरी बेटी पालक पनीर खाएगी। लेकिन बेटा पालक तो है नहीं, कुछ और बता।
माँ बहुत दिनों से छोले भटूरे नहीं खाए। वो कैसे बनेगा बेटा, उसके लिए तो छोले भिगोने पड़ेंगे ना। बेटी माँ को जो भी बनाने को बताती, मोनिका कोई ना कोई परेशानी बता देती, जिसके बाद माँ कुछ भी बना दे, तू एक काम कर, दाल चावल ही उबाल दे। वही तो बनाया है बेटा, चल जल्दी से आजा खा ले। माँ चली जाती है, लेकिन बेटी परेशान हो चुकी होती है। क्या है, माँ ने जब बना ही लिया था दाल चावल तो मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही थी। तभी वहां दादी आ जाती है। क्योंकि तेरी माँ है ही ऐसी, यहाँ तेरे पास आने से पहले मेरा भी सर खा कर गई है, क्या कर सकते हैं अब। पर दादी ऐसे हाथ पैर बांध कर भी तो नहीं रह सकते ना। हाँ बेटा सही बोल रही है तू, बहू को तो समझाना ही होगा कि वो जो व्यवहार करती है वो ठीक नहीं है। बस फिर क्या था, सभी सोच लेते हैं कि जैसे को तैसा करना है। अगले रोज नाश्ते पर, ये क्या है मोनिका, पराठे क्यों बनाए, मुझे तो पोहा खाने का मन था। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पोहा खाना है, बता देते ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमको लगता था कि मुझे ये पता होना चाहिए था कि दाल लानी है। मोनिका को कुछ तो समझ में आ जाता है, लेकिन वो शांत रहती है। फिर अगले रोज, माँ जी वो कल ना मेरा व्रत है, तो बताइए ना शाम की पूजा कैसे करनी होती है। कौन सी पूजा, साड़ी वाली या सूट वाली। माँ जी साड़ी वाली, वैसे क्या खाते हैं उसमें, खीर ना, तो मैं अभी खीर बना लेती हूँ। कौन सी खीर बहू, चावल वाली या सूजी वाली। बहू समझ जाती है कि वो सास को जैसे कभी पराठे के लिए कंफ्यूज कर रही थी, सास उसे अब कंफ्यूज कर रही है। तभी डोरबेल बजती है, सामने होती है पड़ोसन जो मोनिका से मिलने आई होती है। अरे बिटिया माँ को बुलाना अपनी। माँ को, लेकिन इस वक्त आपको क्या काम है। छोटी सी है लेकिन सवाल देखो पुलिस की तरह दागी जा रही है बेटा, उनसे चीनी लेनी थी। अच्छा आपकी कटोरी में या हमारी। बेटा वो मैं लेकर आई हूँ, जरा माँ को बुला दो, कल पड़ोसन के घर क्या झगड़ा हुआ ये भी पूछना था। ये क्या बात हुई, किसी के घर के झगड़े को डिस्कस करना। वैसे आपके पति क्या करते हैं, वो कितने बजे ऑफिस जाते हैं, और माँ जब शाम को वॉक पर जाती है तो क्या उस वक्त आप लोगों की बात नहीं होती। मोनिका बेटी की सारी बात सुन रही थी, लेकिन जैसे ही वो बेटी को कुछ कहती, पड़ोसन उल्टे पैर भाग जाती है। माँ मीरा, मैं समझ गई हूँ कि मैं क्या गलती कर रही थी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। Yeah!